नमस्कार दोस्तों, शाखा नौ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक, आज हम हिंदुस्तान नाका पे है जो चारकोप में स्थित है। आपको बता दें कि यहाँ के जो माजी नगर सेवक है दीपक बाला तावड़े, उनके द्वारा जो है ये मंच यहाँ पे रखा गया है। इस मंच में आप देख सकते हैं कैसे जो पथक है गोविंदा पथक, उनका जो आयोजन कार्यक्रम किया गया है उसमें बिना कोई दिक्कत के रोड की ट्रैफिक को देखते हुए हर चीज़ का नियम का पालन करते हुए यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। पिछले 7 वर्षों से यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ के माजी नगर सेवक दीपक बाला तावड़े का और यहाँ के कार्यकर्ताओं का इसके बारे में क्या कहना है। ये कार्यक्रम ये हमारा महाराष्ट्र की शान है और महाराष्ट्र के सरकार ने, शिंदे सरकार ने इस कार्यक्रम को अभी प्रो गोविंदा कर लॉन्च किया है। कांदिवली चारकोप विभाग में भारतीय जनता पार्टी की ओर से और 20 की ओर से ये 7वां कार्यक्रम, यहाँ पर 7 साल हुए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कोरोना के 1 साल हमने कार्यक्रम को ड्रॉप किया था, तो 6 साल कार्यक्रम चल रहा है। आज शाम को 5 बजे से लेके अभी 7:30 बजा है, 14 मंडल अभी तक यहाँ पर आके गए। बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सभी गोविंदा पथक यहाँ पर आते हैं, बड़ी शिस्त से इस हमारे त्यौहार का एंजॉय करते हैं और उसी के लिए ये एक अच्छा हमारा मैदानी खेल करके इसको रूप देने का काम किया है। मैं सभी हमारे महाराष्ट्र की जनता को गोकुलाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सभी गोविंदा पथकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम अच्छी तरह से एक कार्यक्रम करें और इस उत्सव को हम पूरी दुनिया तक पहुंचावे, ऐसे मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं। ये बाला तावड़े जी के माध्यम से यहां पे इतना भव्य आयोजन किया गया है और आप देखेंगे पूरे मुंबई में जो माहौल है, एक कैसे फर्क पड़ता है कि सरकार क्या किसकी है, उसके माध्यम से कितनी शांतता से और कितनी शानदार तरीके से मुंबई भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सभी रजिस्टर्ड पथकों की बीमा कराई गई है। और हर देश का अपना फंक्शन है, टोमेटिनो फंक्शन होता है, ये मुंबई की जान है, मुंबई की शान है और मुझे लगता है हर साल ये और अच्छे से होते जा रहा है। मैं नगर सेवक और हमारे नेता बाला तावड़े जी का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने चारकों पर इतना भव्य इसका कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुझे लगता है ये हमारी संस्कृति इसी तरीके से जगेगी और इसी के तरीके से और आगे बढ़ेगी।